सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साक्षी। होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे और खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, मेरी आईज देख लो आप लोग। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद मैं जो भी करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, हम आपको एक बहुत एक्टिव पर्सन से मिलाने जा रहे हैं, वो है ये। इसकी जिंदगी में बस तीन ही काम है, सोना, खाना, पॉटी करना, वापस से सो जाना। पीयू, चलो चोको बिस्किट खाने चलते हैं। ओले फ्रेश तो मैं हो गई, अब क्या करूं। मुझे ना भूख लगा है और मेरे को आज ना आलू टिक्की बर्गर खाने का मन बहुत जोर से कर रहा है। ये पता है, खुजी करने के लिए मेरे को ऐसे कर रहा है। गाइस, ये मेरी मम्मी है। मम्मी, नाश्ता क्या बनाई हो? क्या खाओगी? फल काट दे। हाँ, रात में भी फल ही खाए थे। मम्मी, मेरे को ना आलू टिक्की बर्गर खाने का मन कर रहा है। आलू टिक्की बर्गर तो सारा सामान तो नहीं है, जाओ लेके आओ, बना दे रहे। पैसा दो, चारा मरेगी। पक्का बनाओगी ना? माई डी, हाँ। ये देखो मम्मी को क्लोजअप से। ओ माय गॉड। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ बर्गर का सामान लेने के लिए। मैंने नीचे में से पजामे प्लाजो डाले हैं और ऊपर में नाइट सूट का टॉप डाला। मम्मी कल बाल में मेरे तेल लगा दी थी, चम्पू लग रही हूँ, खा के नहाऊंगी। अगर अभी नहाने चली गई ना, मेरा पेट मर जाएगा। मम्मी ना किचन में टिक्की प्रिपेयर कर रही है, टिक्की प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। ये मम्मी ने यूट्यूब पे देख रही थी टिक्की कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं दिखाऊं आप लोग को। है ये देखो, चीटर पत्र किलो बिस्किट। तो ये लोग सब खाने लगे और मेरा बिस्किट्स खत्म हो गया। अब आगे के सारे डॉगी को सॉरी। रास्ते में मुझे ये जूस का स्टॉल दिखा जहाँ से मैंने मिक्स फ्रूट जूस पिया, जिसमें बेदाना, मौसमी और अंगूर का जूस था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत मीठा था। कौन इस पर पानी फेंक दिया है? लो लो, अरे अरे, एक इसको दे दे, इधर आ तू, आ जा, इसको दे दो, वो तो खाया है, दे जल्दी इसको, खा ले। बर्गर बन मिला ही नहीं यहाँ पे, पूरा दुकान खोल दी, सिर्फ मिला ये मियोनीस और बाकी सब सामान घर पे था ही। अब बर्गर बन मैं ब्लिंकिट करूंगी, ब्लिंकिट। हाँ पीयू, ये लो, चलो आओ जल्दी, लो लो जल्दी आओ, जल्दी लो, आप क्या भौंक रहे हो, चलो। ये रही बर्गर बन और ये मोटा डिस्को कर रहा है जो मम्मी को देख के। और ये हमारी सुंदरी मम्मी सीधे आसमान से उतर के आ गई है। हटो हटो, ऑपरेशन देख रहे हो? ओ माय गॉड मम्मी, अरे इसमें वाला मियोनीज नहीं है जो मैं लेके आई थी। बर्गर का टिक्की बनाने के लिए मम्मी यहाँ पे आलू ग्रेट करके रख लिया है। और ये पोहा, पोहा को इसलिए रखा गया कि थोड़ा चुरमुरा होगा उसमें, हम लोग मिला देंगे तो। और तेल गरम कर दिए कढ़ाई में, अब हम लोग उसमें डालेंगे प्याज। मेरे को बहुत डर लगता है, ये पीयू चूहा देखे कर रहा है, मारेंगे। मैं मिर्ची नहीं डालूंगी। और ये क्या है? वो मिर्ची और आधी लहसुन का पेस्ट, मिर्ची आधी लहसुन धनिया का पेस्ट। यहाँ पे मैं आपको बर्गर बन घर में बनाने का रेसिपी बता रही हूँ, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, सारा सामान मोस्टली घर पे ही रहता है। साक्षी को पता होगा लेकिन अदरक पसंद नहीं है।
हम लोग का प्याज जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग इसमें डालेंगे मिर्च। चुरिंग चुरिंग चुरिंग। अब मम्मी ने डाला इसमें वो पेस्ट जो ब्ला 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 का पेस्ट था, नीमक इतना नमक। क्या है मैंने चाट मसाला लाना भूल गई, मम्मी मुझे लाने बोली थी। गोल मिर्च डाल रही है मम्मी यहाँ पे। हम इसे कह रहे हैं मैस की मटर हम लोग के टिक्की के मुंह में ना लगे, टिक्की के मुंह में मतलब हमारे मुंह में टिक्की का मटर ना लगे। हैं क्या बोलते हैं पोहा मसाला सब इसमें मैस है। अब हम लोग उसमें अपना आलू मिला देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा टिक्की फ्राई हो रहा है, इतना ज्यादा हो गया वहाँ। हाय भाई हम लोग प्याज भी काट लिया, ये क्या मम्मी कैसा कपड़ा है। हम अपना बर्गर बन को काटेंगे, तो अब हम बर्गर की फिलिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला लेयर है ना, इस पे मैं ये वेज मियोनीस तंदूरी जो भी है इसे लगा रही हूँ। ठीक है ये देख लो चिड़िंग। अब हम इस पे रखेंगे प्याज, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रखेंगे अपना टिक्की गरम। टिक्की रख दिया, अब डालेंगे इसके ऊपर टोमेटो केचप केचप थोड़ा सा बस। मम्मी सब चीज ज्यादा गिर रही है, ये भी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ जस्ट फॉर टेस्ट। चिली फ्लेक्स तो मम्मी तो बिल्कुल नहीं खाएगी मुझे पता है। बस ये देखा खाना बनाने तो बहुत आता है यार, कर तो रही हूँ ना मैं, मेहनत कर रही हूँ ना, कुछ काम आता ही नहीं। ब्रेड को लिया तो क्या होगा, घर पे तो खाना है, कौन से तुमको बेचना है। तो ये गया डिमिच और ये हमारा बर्गर रेडी है। सेकना है ना, नहीं सेकना है नहीं। ये हमारे बर्गर रेडी हैं, देख लो मम्मी, देखो कितने अच्छे बनाए मैंने, ये देखो। सो गाइस मैं खाने जा रही हूँ अपना बर्गर, अभी जल्दी से आप लोग को रिव्यू देती हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी है, मेरे फोन में 4% चार्ज है, 3% है, कभी भी बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, तब तक फोन चार्ज लगा दूंगी, आप लोगों को अभी बता देती हूँ। सो फाइनली मैं नहा ली हूँ और आस्था आई हूँ कि मैम आई हुई है तो उन लोगों को पिटाई दे रही है, इसलिए घर में चिल्ला चिल्ली हो रहा है। अगर आपको मे बी कैमरा में सुनाई दे रहा होगा तो वीडियो में देखो। शैम्पू भी कर ली हूँ मैं, क्योंकि मम्मी बोलती है कि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन शैम्पू नहीं करते हैं, तो कल मेरा शिवरात्रि का व्रत है। मैं रात को क्या खाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चिकन खा नहीं सकती क्योंकि बाल धो रही हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाऊं क्या, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मैं नहा ली हूँ, अपडेटेड बाय। तो शाम हो गया था और मुझे लगा था भूख, तो मम्मी ने क्या किया, जो बर्गर बनाया था उसका टिक्की का आलू बचा था तो उसी से वापस टिक्की बना के दे दिया। मम्मी गिर गया। तो मैं ये मेरा है शाम का क्या कहते हैं उसे, इवनिंग स्नैक गौ। अंकल तुम देख रही हो जिस नजर से, हम वो हो रही हो। बहुत टेस्टी लग रहा है ऐसे भी। बदतमीज़ है ना।
के लिए। चलो 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 मम्मी आ रही है चलो। हाय गाइस, अभी है डिनर टाइम। और पता है मैं इसीलिए व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने को ही नहीं रहता। मैं इतनी वेली हूँ, मैं क्या दिखाऊँ आप लोग को। तो चलो अपना डिनर करते हैं, खाना पहले बाद में। तो ना मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी तो मेरा डिनर ही है। ऊपर पे सब पिज़्ज़ा मंगा के खा रहा है, मैंने बस मंगाया ये वेज चिंगी पार्सल पनीर वाला क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगा। यही खाऊंगी मैं। मेरा व्रत स्टार्ट होने में अभी सिर्फ 30 मिनट से फटाफट से ठूस लो। हाँ हाय, ये आज और छोटा दिया है। इतने बड़े शरीर 5 फुट 5 इंच के इंसान का इतने छोटे से में क्या ही होगा। वैसे मैं पनीर नहीं खाती हूँ पर शिवरात्रि है ना, नॉन वेज नहीं खा सकती। गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। एंड यहाँ पे मैं अपना इंस्टा हैंडल दे दूंगी, वहां पे भी जाके फॉलो कर देना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।